आज के क्लास में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। हिंदू वृद्धि पर वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से। पी का फुल फॉर्म पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो जीडीपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। हस्तकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? तो कुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ? अवमूल्यन मूल्य के रुपया के मूल्य वृद्धि होता है, लेकिन कमी हुआ है 3 बार। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की? तो 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के शणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर के शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 26 नवंबर 1947। पूर्णकालिक नहीं था, पहला बजट था लेकिन पूर्णकालिक नहीं था। और 1948 का जो बजट था ये पूर्णकालिक बजट था। अगला है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध और मुद्रा स्फीति की स्थिति को ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा स्फीति माने मुद्रा के मूल्य में कमी। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 में शुरू हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि सेबी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो सेबी को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है वह कब प्राप्त हुआ है? किन्हीं को आइडिया? 1992 में। सुपर 301 क्या है? तो अमेरिका व्यापार की कानून धारा को सुपर 301 कहते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसी सारी अर्थव्यवस्था के कुल राष्ट्रीय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में। सातवीं योजना का प्रमुख था? तो आधुनिकीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 1991 में किस नाम से जाना जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा के नाम से। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर कम। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? प्रकाश नारायण। इनका विकास भी किसने किया? जय प्रकाश नारायण ने। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती? सरकारी टकसाले किन सब हैं? मुंबई, कोलकाता तथा नोएडा। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता
अनुहिता सरकार द्वारा पुरानी मुद्रण के नई मुद्रा का चलाना जाता है। विमुद्रीकरण सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा चलाना कहलाता है। विमुद्रीकरण सरकार पाए ऋण कहाँ से लेती है? रिजर्व बैंक से। सबला योजना का नाम है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। हेलो जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 13.7%। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। संरचनात्मक बेरोजगारी है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संपदा कर भारत के लिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति पादप उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गुलाबी का मछली के उत्पादन से। पीली क्रांति पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। शेयर बाजार का कौन करता है? सेबी। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की थी? व्यापारी या नकदी फसलें जैसे कपास, गन्ना, चाय, जूट, तंबाकू, ये सब नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें कहलाती है। अप्रत्यक्ष कर है। वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों को पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। द्वि मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? सरकारी संस्थाएं किस देश में है? तो भारत में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है। और निर्यातक होने का गौरव किस देश को है? मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादन देश कौन सा है? भारत। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2005 में। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक विदेशों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? जो विदेशों में जो भारतीय मुद्रा रखा हुआ है उसको नोस्ट्रो। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2003। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 80 में। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर विजय एल केलकर को। लागू की गई तो 1966 से 1969 तक। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं? जम्मू कश्मीर। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया से कहा जाता है मांग और पूर्ति। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का रोलिंग प्लान को भारत में लागू किसे दिया जाता है? डीटी लकड़ा वाला ही जो रोलिंग प्लान को भारत में लागू कर है। यह हुए इकोनॉमिक्स से टॉप क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस, 56 से आगे का क्वेश्चंस हम लोग अगले। यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए।